ओम शांति। 17/12/2021 आज के मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बन सकते हो। प्रश्न है, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? उत्तर है, पहला निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं। रचता बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी रहे। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है, अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, कोई भी बुरा काम नहीं करना है। दूसरा, अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है, देवताओं को जो चीज़ स्वीकार कराते हैं वही खानी है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख चेतन और चरित्र को देखो। ओम शांति।